Dear students of class 9, I am starting your new exercise 2.2 polynomials. In first sum, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3. First part at x equal to 0, at second part at x equal to minus 1, third part at x equal to 2. मतलब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट जीरो, एट माइनस वन एंड एट टू. मैं दो पार्ट्स कर रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा. आगे की आपने खुद करनी है एट जीरो. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट जीरो निकालनी है. इट मीन्स हमें एक्स की जगह जो वेरिएबल है उसकी जगह हमने जीरो पुट करना है. तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाइड x, तो x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया. 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर मींस x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 0 स्क्वायर. 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है. 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3. तो ये मैंने x की वैल्यू 0 इस पे पुट कर दी. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0. 0 स्क्वायर किसी भी नंबर, एक नंबर की जितनी पावर होती है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जीरो स्क्वायर मीन जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, और फोर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो प्लस थ्री. जीरो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपका 3. इसी तरह से एट माइनस वन निकालोगे तो एक्स की जगह माइनस वन पुट करोगे पॉलिनोमियल में, और 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज प्लस माइनस अ माइनस 5 इज द 5. और इवन पावर होती है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है आपका. ठीक है, इवन पावर मींस जैसे माइनस 1 स्क्वायर मींस क्या होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. जितनी पावर होगी उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे. माइनस माइनस द प्लस 1 बन द 1, तो कितना आया 1 प्लस 3. अब ये माइनस 5 4 बन द 4 प्लस 3, दोनों नेगेटिव के ऐड अप माइनस फाइव एंड माइनस फोर कॉमन साइन नेगेटिव का माइनस नाइन प्लस थ्री. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट साइन बिगर टर्म का माइनस सिक्स आंसर आ गया. ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल का नाम रखा हुआ पी, किसी में पी वाई किसी में पी एक्स किसी में पी टी. ठीक है, मतलब अगर आपका वेरिएबल वाई है तो आप पॉलिनोमियल को पी वाई बोल दोगे, अगर वेरिएबल आपका एक्स है तो पी एक्स बोल दोगे, इसी तरह से टी है तो पी टी बोल दोगे. अब मैंने इसका लास्ट पार्ट किया है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन. तो ये आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है पी जीरो मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट जीरो, पी वन मीन्स एट वन, पी टू मीन्स एट टू. तो सब पॉलिनोमियल की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपने. जैसे मैंने फोर्थ पार्ट किया आप लोगों के लिए, तो पी जीरो निकाला, फिर पी वन निकाला, फिर पी टू निकाला. मतलब पहले मैंने एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, फिर मैंने एक्स की जगह वन पुट कर दिया, फिर मैंने एक्स की जगह टू पुट कर दिया, तो मैंने फोर्थ पार्ट जो है आपके लिए पूरा कर दिया है. ठीक है, अब जीरो माइनस, अब ये एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन, ये बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाइड है. तो एक्स की जगह मैंने जीरो पुट किया, तो जीरो माइनस वन इज माइनस वन, जीरो प्लस वन इज वन. जीरो एड सब्ट्रैक्ट करने पर तो नंबर पे इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो वन वन दा वन और माइनस, और इस वन के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस वन, तो माइनस प्लस दा माइनस. ऐसे दूसरे वाले में वन पुट किया तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका जीरो, और यहाँ वन प्लस वन टू, तो टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो आंसर इज जीरो. जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो बनेगा, लेकिन जीरो में किसी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. क्लियर, थर्ड इज पी टू, तो एक्स की जगह टू पुट कर दिया, तो टू माइनस वन इज वन, टू प्लस वन इज थ्री. अब थ्री वन द थ्री, नंबर मल्टीप्लाई थ्री वन द थ्री. तो इस तरह से आपने ये सम्स करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. हमें बताना है कि क्या ये इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो है. ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो क्या होता है. जीरो का मतलब यहाँ पर है सॉल्यूशन से, मतलब अगर मैं एक्स की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करूं
इस वैल्यू को पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन और दिस इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे पुट करो x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, तो थ्री वन द्री, थ्री वन द्री, तो क्या है माइनस वन प्लस वन। अब एक माइनस का प्लस है, एक वन प्लस का, वन एक वन प्लस का है, एक माइनस का है, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो। अब अगर इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई है, इट मींस x इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज द जीरो ऑफ px। तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से जैसे इसका सिक्स्थ पार्ट है, ये इसमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस एन बाय एन, तो एल बनता एल, मतलब एल से एल कैंसिल हो गया, तो माइनस एम प्लस एम। अब एक एम प्लस का है, एक माइनस का है, तो आंसर जीरो आ गया। इट मीन दिस इज द जीरो ऑफ पी एक्स, यस ये जीरो है, यस पी एक्स इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अगर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए तो है जीरो, ना बने तो नहीं है। ठीक है, अब ये सेवन पार्ट है, इसमें भी पुट करके देखो, तो इसमें क्या है पी एक्स में ये हमें दो वैल्यूज का बताना है कि वेदर दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नो। ठीक है, तो एक एक करके पुट करनी है। जैसे मैंने पहले पहले वाली वैल्यू पुट करी माइनस वन बाय रूट थ्री, और इसका क्या है स्क्वायर। अब इवन पावर है तो माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट होता है क्योंकि पेयर बन जाता है माइनस माइनस द प्लस। इवन पावर का मतलब माइनस पेयर में आ जाना और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाना। अगर ऊपर ओड पावर हो तो माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि एक माइनस अनपेयर्ड रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार मैं कहूँ तो ये लिख के दिखा रही हूँ आपको, वैसे ये माइनस माइनस था प्लस, अब आपका ये माइनस माइनस था प्लस हो गया, वन वन था वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री, रूट टू इंटू रूट टू टू, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। अब वन माइनस वन इज जीरो, इट मीन्स ये तो इस पी एक्स का जीरो है। अब इसको अपने आप चेक कर लेना सेकेंड पार्ट को कि वेदर इट इज द जीरो और नो। ये तो हो गया, इसका आंसर तो यस बन गया बिकॉज इसकी वैल्यू पुट करने पर आंसर जीरो आ रहा है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको जीरो फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी जीरो निकालनी है। जब हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी होगी, जीरो निकालने का मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जिसको पुट करने पर इस पी एक्स की वैल्यू जीरो बन जाए। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब है उसका सॉल्यूशन। ठीक, आप इसमें आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, जिस पॉलिनोमियल का जीरो आपने निकालना है उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा माइनस फाइव, तो x इक्वल टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ पी एक्स, तो ये मैंने इसका जीरो निकाल दिया। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल दे रखा है ax, हमें इसका जीरो निकालना है, तो इसको भी मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी ताकि x की ऐसी वैल्यू निकाल सकूं जो कि इसमें पुट करने पर आंसर जीरो दे दे। तो x इक्वल टू जीरो, और ये a कोई भी नंबर हो सकता है, a मल्टीप्लाइड बाय x, तो मल्टीप्लाइड में तो इसको डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, a कैन बी एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी थ्री। ठीक है, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, तो x इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अभी मैंने काफी सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए कर दिए इस एक्सरसाइज को करके, आपने सबमिट कर देना। थैंक यू।